अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको मोलर मास कैलकुलेट करना बताऊंगी। क्लास 9 का ये टॉपिक है केमिस्ट्री का। आप किस तरह से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है H2O का, जो कि आपका पानी का भी फॉर्मूला है। H का एटॉमिक मास नंबर है आपके पास 1 और O का है 16। अब आप किस तरह से मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, H2O को अलग करके लिख दिया। H के साथ बेस है 2, तो उसकी बेस आप उसके साथ लिखेंगे। O को आपने थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 1। आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन की बेस आपको दी हुई है 2, आपने इसके साथ इसकी बेस लगा दी। आप जैसे इसकी बेस लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन आपने प्लस की साइन लगानी है। इसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर, जो कि है 16, मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की बेस कुछ भी नहीं है, तो इट मींस के यहाँ पे 1 है, आपने 1 लिखा। मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, प्लस की साइन ऐसे ही आ जाएगी, 16 1 ज़ा 16। दोनों के दरमियान प्लस की साइन है, दोनों को प्लस करें, 16 और 2 को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। मोलर मास को आप कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स में, इसका यूनिट आपने लास्ट में लगाना है। तो आप इस तरह से पेपर में मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, CaCO3। Ca का मतलब है कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन। आपने तीनों एलिमेंट को थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है। सबसे पहले आपने कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर लिखा, जो कि है 40। मल्टीप्लाई, कैल्शियम की कुछ भी बेस नहीं है, जहाँ कोई नंबर नहीं होगा, कोई बेस नहीं होगी, वहाँ पे आप 1 लिखेंगे। नाउ प्लस की साइन लगाएंगे। इसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे 12, इसकी भी बेस आपके पास कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे, देन फिर प्लस की साइन लगाएंगे। अगेन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे 16, मल्टीप्लाई, अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की बेस आपको दी हुई है 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आप प्लस की साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एलिमेंट आपके पास ख़त्म हो चुके हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें, 41 ज़ा 40, प्लस की साइन, 12 1 ज़ा 12, 16 3 ज़ा 48। तीनों को प्लस कर दें, 40 12 और 48, तो आपके पास इन तीनों का सम आ जाएगा 100। मोलर मास को आप कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स में। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर याद कर लीजिएगा, कभी पेपर में आपको दिए जाते हैं और कभी नहीं दिए जाते, तो आपको पता होना चाहिए।